एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अज्ञात व्यक्ति का सड़ी गली अवस्था में मिला शव। नागपुर शहर में वैक्सीनेशन का टारगेट हुआ पूरा। कल खुला रहेगा सीताबर्डी किला। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। उमरेड शहर के गिरड़ सड़क पर मां दुर्गा कॉम्प्लेक्स परिसर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। इस घटना की जानकारी फरियादी उमरेड शहर के कोटारी लेआउट निवासी राहुल सुभाष हरडे ने उमरेड पुलिस को दी है। उमरेड पुलिस ने खबर मिलते ही घटनास्थल पर जाकर अज्ञात को उमरेड ग्रामीण अस्पताल ले जाने पर वैद्यकीय अधिकारियों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उमरेड पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच हवलदार आनंद धात्रक कर रहे हैं। अज्ञात व्यक्ति की अभी तक कोई पहचान नहीं हो सकी। इस व्यक्ति के बारे में किसी को कोई जानकारी होने पर उमरेड पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की अपील थानेदार यशवंत सोलसे ने की है। अगली खबर, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कारगर उपायों में वैक्सीनेशन मुहिम को गति देने का निर्णय लिया गया था। यहाँ तक कि तीसरी लहर की संभावना जताते हुए शहर के 19.73 लाख लोगों को कम से कम पहला डोज देने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए थे। राज्य के निर्देशों के अनुसार देर से सही किंतु महानगर पालिका ने टारगेट पूरा कर लिया है। अभियान के तहत 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी उम्र के लोगों को मिलाकर कुल 32,23,000 डोज दिए जाने की जानकारी महानगर पालिका ने दी है। उल्लेखनीय है कि टारगेट को पूरा करने के लिए महानगर पालिका ने अलग अलग अभियान शुरू किए। हालांकि शुरुआत में वैक्सीनेशन को लेकर भले ही संभ्रम की स्थिति बनी रही, लेकिन लोगों में जन जागृति कर वैक्सीन लेने के लिए लोगों को तैयार किया गया। सरकार के निर्देशों के अनुसार 30 नवंबर तक टारगेट पूरा करना था, किंतु 15 दिन की देरी हुई। अगली खबर, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को नागपुर स्थित सीताबर्डी किला आम लोगों के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया है। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक किला आम लोगों के लिए खुला रहेगा। कोविड नियमों का पालन करते हुए यहां प्रवेश दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन के सामने आर्मी ऑफिसर के गेट से किले में प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।